Shrirati, Jai Shrirati, Jai Shrirati. असंख्य ध्वनि की है हमारे निवास स्थान के हमारे कॉलोनी वासियों में, कोई थाली बजा रहा है, कोई क्लैपिंग कर रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये सब उनके लिए है जो इस कोरोना वायरस में फाइट कर रहे हैं और जो बीमार हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल, जितने भी मेडिकली ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी जो उनका स्टाफ है उनके लिए है। और सबसे बड़ी बात पुलिस प्रशासन के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात हमारे मीडिया कर्मियों के लिए, न वो घर गए न वो कहीं भी गए, वो हमेशा देश के एक एक कोने में जाके हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पत्रकार बंधु जाकर पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं। और जागरूक करके न सिर्फ आगे मैसेज तक पहुंचा रहे हैं बल्कि पूरे देश को जगा रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद है और मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं उन देश के सभी लोगों के लिए आगे जो अपने इस कोरोना वायरस में मरीजों की और देशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। आज जनता कर्फ्यू के दिन शाम को 5 बजे उन सभी लोगों का जो देश और विदेश में इस महामारी से ग्रसित लोगों को का इलाज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं या नर्सेज हैं या और मेडिकल के जगत में जो इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे वैज्ञानिक लगातार इस बीमारी का इलाज और इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी महामारी जो चल रही है उस स्थिति में भी लोगों के जीवन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, और 24 घंटे के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और क्राइम कंट्रोल के लिए अपने परिवारों का भी परवाह ना करते हुए जो पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार काम कर रहे हैं, उनके जज्बे को, उनकी निष्ठा को, उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। और हमें पूर्ण आशा है कि जब भारतवर्ष के सभी नागरिक टीम के रूप में इस संकल्प को लेकर चलेंगे तो हम इस महामारी से पार पा लेंगे और बहुत ही जल्द कोरोना वायरस जो है वो भारत से ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।